खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर क्राइम ब्रांच ने ओओएलएक्स के जरिए चोरी के मोबाइल बेचने वाले बदमाश को 24 मोबाइलों को सहित किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नवनीत बसीन को मुखबिर के जरिए यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ओएलएक्स की जगह चोरी के मोबाइल पीसने वाला बदमाश बोलकर मंदिर क्षेत्र में मोबाइलों को बेचने हेतु घूम रहा है। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर वेंकटेश भार्गव के साथ। ऐसे कंट्रोल नहीं रहता था कि जो मार्केट में कीमत है 10,000 रुपए तो 7,000 रुपए तक का मोबाइल ओएलएक्स भी ले लेते थे और उसको लोग खरीद लेते थे। ये फर्जी बिल तैयार करता था ओएलएक्स, या ओएलएक्स भी जाता था फर्जी बिल तैयार करता था। कहाँ का निवासी? ये रहने वाला है, ग्वालियर का ही रहने वाला है। इसका नाम कल्पित सर विपिन महेश्वरी है और ये लोअर मंडी का। पहले भी अपराध कोई पंजीबद्ध है? नहीं, पहले को अपने दिखवा रहे हैं, अभी तक अपने ग्वालियर जिले में नहीं है, अन्य कहीं किसी जिले में होगा तो संबंध हम दिखवा रहे हैं। अभी तक ये ऐसे कितने लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट, कई लोगों को मोबाइल बेचा हुआ है, ऐसे 25 मोबाइल तो 24 मोबाइल से जब्त किए हैं और लोगों से ओएलएक्स बेचा है। इस संबंध में पूरे डिटेल निकाल रहे हैं, जो मोबाइल बेचे गए हैं उन सब रिकॉर्ड करने के लिए। कोई लोग भी है क्या? हाँ है ना, दिल्ली की पार्टी, दिल्ली से जिससे लेके आया मोबाइल। और इसने पूछा दिल्ली वाला व्यक्ति क्या करता है, ऐसे जो ट्रेन वगैरह जो यात्री सफर करते हैं उसमें जो मोबाइल वगैरह रहते हैं, ऐसे मोबाइल वगैरह छीनना वगैरह रहता है, चोरी करना रहते हैं, उन मोबाइलों को दिल्ली की पार्टी खरीदती है, दिल्ली पार्टी फिर इसको देती है, ई एम आई वगैरह चेंज करके लॉक वगैरह खोल के फिर इसको माने। करीबन 3 लोगों को पता चला है इस संबंध, कुछ लोगों के नाम नहीं जानता है, कुछ एक जावेद करके एक नाम आया है दिल्ली का है, उस संबंध हमको जानता है।